सर मेरा नाम समीर सिंह है। हाँ। मैं अपनी लाइफ में काफी सक्सेसफुल होना चाहता हूँ, रिच होना चाहता हूँ और लग्जरी लाइफ जीना चाहते हो, ठीक है। यस, और फेमस राइटर बनना है मुझे। आप प्रोफेशनली यू वांट टू बी राइटर, वेरी गुड, राइटर एंड रैपर, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मैं काफी अनलकी हूँ। ओहो, किस्मत ही खराब है? नहीं सर, फिर भी कभी कभी फील होता है ऐसा अंदर से, ऐसा फील होता है तो शायद ये नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी किस्मत खराब है। ओके, तो किस्मत खराब है आपकी, तो इसका इलाज कराने कहीं गए हो? अरे इसका इलाज कराने का सिंपल सा तरीका है ना, उधर जाना ना, वो कृपा। तो देखो दो, अब दो तरीके हैं, सुनो सुनो, दो तरीके हैं। एक तो तरीका है जो मैं बताऊंगा अभी आपको, और दूसरे मार्केट में बहुत सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। एक सॉल्यूशन तो ये है, समोसा खाया था? खाया था, लाल चटनी से, ग्रीन चटनी से? हाँ, पर ध्यान नहीं दिया उस पर। तो अब बेटा, अब जाके एक काम करना तुम ना, मिर्ची वाली चटनी से खाना। सुनो, एक तो सॉल्यूशन समझ में आ गया, सुनो भाई सुनो, समझ गया। एक तो सॉल्यूशन है ये, दूसरा है कि ओहो, समझ गया, एक ये है, तीसरा हाथी का, समझ गया, ये भी एक तरीका है, शनि देवता, ये भी एक तरीका है। ये जितने भी तरीके आपको बताए जाएंगे, ये आपको इसका कभी कोई एविडेंस नहीं दिखेगा, ये बात समझ आ रही है? मान लो शनि देवता है या नहीं मुझे पता नहीं, आपको नहीं दिखेंगे, या किसी ने बोला समोसा, तो वो कॉज एंड इफेक्ट चलता है। इफेक्ट आपको ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत खराब है, या मैं पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ, या मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है। बाहर मार्केट में जो बिजनेस चल रहे हैं, वो कोई ना कोई कॉज पकड़ाएगा, कोई तो बोलेगा ये कॉज है, कोई बोलेगा ये कॉज है, कोई बोलेगा समोसा कॉज है, बहुत सारे कॉज है, कोई बोलेगा ये, कोई कहेगा ये पहन ले बेटा, कोई बोलेगा ये वो नजर, समझ आ रहा, नजर। तो ये बहुत सारे कॉजेज हैं, इसके थ्रू करके देख लो भाई, अगर होता हो तो पता नहीं, मुझे नहीं पता, कोई पीछे पड़ जाएंगे लोग, नहीं मैं बोला नहीं होता, कहीं भक्त है पीछे पड़ गए। एक तो तरीका है ये, कोई एविडेंस नहीं है, कोई तरीका नहीं है। पर मान लो, अब मैं तुम्हें दूसरे तरीके से समझाता हूं जो मेरा तरीका है। मान लो तुम्हें कहीं अंदर से लगता है कि भाई मेरी तो किस्मत खराब है, आपने अपना जो 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 सक्सेस का जो कंट्रोल है, रिमोट कंट्रोल है, किसके हाथ में पकड़ा दिया? किस्मत के हाथ में। अब आप कुछ कर सकते हो? आप कोई एक्शन ले सकते हो? नहीं, क्योंकि किस्मत तो आपके हाथ में नहीं है, किस्मत आपके हाथ में नहीं है। तो उस केस में आपकी लाइफ कैसी हो जाएगी? बेचारा, कमजोर, विक्टिम, लूजर। जब आप बोल रहे थे तो आपकी पर्सनैलिटी से रिफ्लेक्ट हो रही थी, मैं क्या कर सकता हूं, मैं पैसा नहीं कमा पा रहा, मैं रैपर बनना चाहता हूं पर मेरी किस्मत ही खराब है। अब मैं जब ये बोल रहा हूं तो मेरी शक्ल कैसी लग रही है? लूजर, विक्टिम, क्योंकि आपका पावर आपके हाथ में नहीं है, आपने पावर कहीं बाहर दे दी है, और वही पावर जाके आप वो कभी समोसे वाले के हाथ में पकड़ाते हो, कभी इसके हाथ में पकड़ाते हो। पावर मैं आपसे बोल रहा हूं, बाहर मत पकड़ाओ, अपनी पावर अपने हाथ में लेके आओ। मैं आपसे बोल रहा हूं, अगर आप सक्सेसफुल हो गए तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आपकी। किसकी है? मेरी, मेरी। तो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ, डोंट बिहेव लाइक अ विक्टिम। ये जो कॉज है ना, इसकी वजह से, उसकी वजह से छोड़ दो। अगर आपको म्यूजिक डायरेक्टर बनना है, आपको सिंगर बनना है, तो आपको कौन रोक रहा है बनने से? पहली बात तो आपका ड्रीम स्ट्रांग होना चाहिए। ये तो बहाना है, एक्सक्यूज है, आपकी मर्जी है। कोई कहता है मार्केट टफ है, कोई कहता है कंपटीशन टफ है, कोई कहता है फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही, दीज आर ऑल एक्सक्यूजेस। आपने ये वाला एक्सक्यूज पकड़ लिया तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपके हाथ में है ही नहीं, आप डिपेंडेंट हो जाओगे लोगों के हाथ में। मैं आपसे बोल रहा हूं, ये एक इंटरप्रिटेशन है, ये एक स्टोरी है, इसको ड्रॉप कर दो, दिस इज नॉट रियलिटी। पर अगर इसे पकड़ के रखना चाहोगे तो आप विक्टिम बन जाओगे। मैं आपसे बोल रहा हूं, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। क्या चीज रोक रही है आपको?
कोई घटना घटी और नहीं हुई, कोई घटना कही, आप कहीं इंटरव्यू के लिए गए, कहीं आपने ट्राई किया, आप फेल हो गए, आपने, कोई तो बोलता मैं फेल हो गया, कोई कह रहा है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। अरे एक कनाट प्लेस जाना, एक रास्ते से नहीं जाओगे दूसरे चले जाओ, दूसरा बंद है तीसरे चले जाओ, तीसरा बंद है चौथे चले जाओ, किसने रोका है? आपका प्रॉब्लम ही है, आपने एक जगह ट्राई किया, आपने बोला मेरी तो किस्मत ही खराब है। अरे 50 रास्ते हैं यार सिंगर बनने के, ड्रीम्स बनने के, पूरा करने के, उनको लगे रहो और लगे रहे तो ड्रीम अचीव हो ही जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? सो किस्मत इज जस्ट अ कॉज। कॉज आपने बाहर पकड़ा दिया, जिम्मेवारी किसकी है? मेरी। इंसानों के अलावा ये पावर किसी के पास नहीं है, ध्यान रखना। शेर शेर ही रहेगा, डॉग डॉग ही रहेगा, बिल्ली बिल्ली रहेगी। इंसान अलग अलग तरीके के बिहेवियर दे सकता है। भगवान के अलावा, जिसने भी नेचर को बनाया, दुनिया को बनाया, उसके अलावा एक और क्रिएटर है, वो है हम। बल्ब किसने बनाया? इंसानों ने बनाया। ट्यूबलाइट किसने बनाई है? इंसानों ने। एरोप्लेन किसने बनाया? इंसानों ने बनाया। मतलब वी आर अ को क्रिएटर। वो क्रिएशन कैसे होती है? हमारे थॉट्स के थ्रू होती है। आप अपने थॉट्स के थ्रू क्रिएट कर रहे हो, आई एम अनलकी, मतलब आप अनलकी हो जाओगे। आपकी लाइफ में वैसी चीजें होना शुरू हो जाएंगी, बिकॉज यू आर अ क्रिएटर, को क्रिएटर। जब एक हवाई जहाज बन गया, एक बल्ब बन गया, ऐसे ऐसे इंपॉसिबल चीजें बन गई, तो मैं तो बनना ही सिंगर है बेटा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा हल्का ही काम है। ये कंसर्न को ड्रॉप करके फोकस ऑन योर गोल्स, स्टार्ट वर्किंग इन दैट डायरेक्शन। कोई फेलियर जैसी चीज नहीं होती है, फीडबैक है। 50 तरीके से ट्राई करोगे तो हो ही जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? कर सकते हो नहीं कर सकते हो? मन में 10 बार बोलना पड़ेगा यस आई कैन डू इट। किस्मत होगी भी तो मैं उसे पलट दूंगा। पावर तो भगवान ने दी हुई है ना। मान लो कुछ होती भी होगी तो दिख तो रही नहीं है, इट इज जस्ट इंटरप्रिटेशन। अगर होगी भी तो आप बदल सकते हो। कुछ लोग जो थोड़ा और विद्वान है बोलते हैं, अगर आप काम करते हो लाइनें होती हैं नहीं, मुझे नहीं पता, बट लाइनें चेंज हो जाती हैं। वो भी तो है, यहां की लाइनें चेंज हो जाती है, वो आपके थॉट्स, आपके एक्शन, आपकी विल पावर, आपके ड्रीम्स के ऊपर डिपेंड करता है। किस्मत खराब है तो चेंज कर दो ना, वैसे खराब है ही नहीं, इंटरप्रिटेशन है। मेरी बात समझ आ रही? सक्सेस एंड हैप्पीनेस के लेटेस्ट वीडियोस को वॉच करने के लिए जोरबा डिजाइन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें।